इंस्पेक्टर कुशल की तरफ से। थैंक यू सो मच कुशल इस अपडेट के लिए। आइए अब एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बातचीत। रूपक जी, गुड आफ्टरनून। बाजार पर अभी भी दबाव लगातार दूसरे दिन हम देख पा रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं आपको? जी, निफ्टी के सपोर्ट लेवल रहेगा 24,000 से लेकर 24,100, और मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी बाय करना चाहिए। कल से लेके आज तक का जो सेलिंग हुआ, मुझे लगता है कि 24,000 का सपोर्ट लेगा निफ्टी और यहाँ से एक रिकवरी दे सकता है टुवर्ड्स 24,500 वेरी शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म में। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट है एकदम 51,500 पे, सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग भी है और मुझे लगता है यहाँ से बैंक निफ्टी भी सिग्निफिकेंट रिकवरी दे सकता है शॉर्ट टर्म में। अपसाइड में 52,200 और 52,500 तक बैंक निफ्टी जा सकते हैं ऊपर। ओवरऑल सेंटिमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी का पॉजिटिव लग रहा है, लार्ज कैप में फोकस रखना चाहिए। ओके, तो लार्ज कैप पे फोकस रखें, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तो नजर आ रहा है रूपक जी को निफ्टी बैंक निफ्टी में, दोनों में ही। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर आज के सत्र में स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक नजर कमजोर बाजार में भी आईटी स्पेस पर डाल लेते हैं। हमने देखा दमदार ग्लोबल संकेतों से आईटी शेयरों में अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिल रही है। खासतौर पर विप्रो देखे, टेक महिंद्रा देखे, इन्फोसिस देखे टॉप निफ्टी गेनर्स में भी शामिल हुए हैं। वहीं एलटीआई माइंडट्री और कोफोर्ज में भी 1-2% की तेजी अच्छी खासी नजर आ रही है। आईटी स्पेस में इस वक्त कहां पर नजर रहेगी आपकी रूपक जी, और कहीं पर स्ट्रेटजी बनाने की सलाह आपकी नजर में पसंदीदा स्टॉक? जी, मुझे इंफोसिस अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक रिसेंट जो एकदम छोटा टाइम पर में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, डेली चार्ट में भी 2 दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल सेंटीमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। अपसाइड में 1920 और 1980 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 1790 पे। ओके, तो आईटी स्पेस में इन्फोसिस अच्छा लग रहा है। 1790 का एक स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल है, 1920 से 1980 तक के टारगेट के लिए यहां पर आप खरीदारी बना कर सकते हैं। अभी लगभग 2% की तेजी के साथ इन्फोसिस में भी अच्छा खासा कारोबार हम देख पा रहे हैं। कुछ दर्शकों के सवाल भी है, वो भी ले लेते हैं फिलहाल शो में। रांची से शैलेश जी हमें 20 माइक्रोन्स पर सवाल पूछ रहे हैं। 100 शेयर है 282 की खरीद के साथ, यहां पर इनकी है फिलहाल पोजीशन। जानना चाह रहे हैं फिलहाल इस स्टॉक में क्या राय रहेगी, लगभग 3,000 के प्रॉफिट पर बैठे हैं अभी। रूपक जी, जी 20 माइक्रोन में मेरा कोई व्यू नहीं है, सॉरी, क्योंकि इसका चार्ट मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ओके, फाइन, ऑल राइट सर, अगले सवाल की तरफ बढ़े। महाराष्ट्र मुंबई से जतिन खेतानी का सवाल भी लेते हैं। एडलवाइस इनके पास है 9,000 शेयर, 121 की इनकी बाइंग है। सजेस्ट प्लीज करें होल्ड या फिर सेल स्टॉक में रखने की आपकी सलाह रहेगी? एडलवाइस के स्टॉक में आज कुछ तेजी तो है हल्की फुल्की, लेकिन इन्हें अपने खरीद प्राइस के हिसाब से नुकसान काफी झेलना पड़ रहा है, अब इन लेवल्स पर क्या राय रहेगी? एडलवाइस एक छोटा रेंज में ट्रेड कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो 105 का सपोर्ट हो जाएगा। 105 टूटता है तो एग्जिट करना पड़ेगा, और 115 के ऊपर एक मोमेंटम बिल्डअप होगा जो स्टॉक के अपसाइड को अपसाइड में लेके जाएगा। तो 115 के ऊपर टारगेट मतलब अपसाइड दिखेगा टूवर्ड्स 130। ओके, तो 105 का स्टॉप लॉस एडलवाइस में, वहीं 115 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर जाने पर 130 तक के भी टारगेट एडलवाइस में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल इन ऑल यहां पर आप बने रहिए, यही आपके लिए एडलवाइस पर राय रूपक डे की तरफ से आ रही है। एमपी सिंगरौली से विनोद विश्वकर्मा द्वारिकेश शुगर पर सवाल पूछ रहे हैं। 1,000 शेयर है, 82 की इनकी बाइंग प्राइस है, इस पर आगे क्या करें, सेल या फिर होल्ड की रूपक जी आपकी सलाह रहेगी? फिलहाल 17,000 का टोटल नुकसान ये झेल रहे हैं, आज तो स्टॉक में भी अच्छी खासी नरमी है, क्या व्यू बन पा रहा है? 63 का स्टॉप लॉस रहेगा, 63 टूटता है तो फर्दर वीकनेस में आ जाएगा स्टॉक, तो 63 के नीचे एग्जिट, और अपसाइड में अगर डाउनसाइड में 63 नहीं टूटता है तो रिकवरी में स्टॉक वापस एक बार 70 तक जा सकता है, एंड अगेन 70 के ऊपर सस्टेन किया तो 80 की तरफ जा सकता है। ओके, तो 63 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहां से नीचे टूटता है तो एग्जिट की स्ट्रेटजी आप रख सकते हैं, पर अपर साइड में 70 या 80 तक के भी टारगेट आप देख सकते हैं, तो फिलहाल बने रहिए, बट लेवल्स का जरूर ध्यान रखिएगा।
फिलहाल नतीजे भी क्योंकि आ रहे हैं अशोक लेलैंड के, नतीजे आ चुके हैं, जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। फिलहाल तो स्टॉक में कमजोरी है, पर एक नजर पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि नतीजे कैसे आए हैं। मुनाफा जो है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो वहीं जो अनुमान से बेहतरी आया है, 770 करोड़ का मुनाफा अशोक लेलैंड ने पेश किया है। 603 करोड़ रुपए का अनुमान जताया जा रहा था, उसके मुकाबले 700 करोड़ से ऊपर का मुनाफा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 561 करोड़ से बढ़कर 770 करोड़ रुपए मुनाफा आया है फिलहाल कंपनी का, जो अनुमान 603 करोड़ जताया जा रहा था। आय में आय जो है वो हमारे अनुमान से कम आई है, यहाँ पर जो आय के हमने एस्टिमेट दिए थे उससे कुछ कम आय आती हुई ही नजर आ रही है। इस पर नजर डाल लेते हैं, नंबर्स जो फिलहाल हमारे पास आय के हैं वो है 8,770 करोड़, 8,890 करोड़ का अनुमान था, तो आय के मोर्चे पर थोड़ी कमजोरी है और मुनाफा हमारे एस्टिमेट से थोड़ा बढ़कर आया है डेफिनेटली। तो अशोक लेलैंड एक नजर प्लीज चार्ट पर डाल लीजिए रूपक जी, फिलहाल तो स्टॉक में कुछ कमजोरी है, आगे क्या देख पा रहे हैं आप? जी 209 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 209 अगर नहीं टूटता आज का दिन तो स्टॉक 224 230 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है स्टॉक में अभी फिलहाल, तो अपसाइड में पॉसिबल है 224 230 वेरी शॉर्ट टर्म मिले। ओके 224-230 का एक अपसाइड मूवमेंट हम आज के दिन देख सकते हैं इस स्टॉक में। देखिए बात करते करते ही रेड से ग्रीन जोन में स्टॉक आ गया है, तो यहाँ पर जरूर आप नजर बनाए रखें आने वाले टाइम में। यहाँ पर अराउंड 230 तक के टारगेट भी आप देख सकते हैं, तो जिनके पास है उनके लिए बने रहने की सलाह यहाँ पर आ रही है। मीनवाइल राजस्थान से पंकज जी का सवाल हमारे पास आया है, वोडा आइडिया पर 8,000 शेयर है, 13.21 रुपए की खरीद है, वोडा आइडिया पर क्या व्यू बन पा रहा है आपका रूपक जी? फिलहाल इनके लिए इनके लेवल्स पर होल्ड या फिर सेल करने की सलाह रहेगी? नुकसान तो झेल रहे हैं अच्छा खासा, स्टॉक में भी गिरावट है, व्यू क्या बन रहा है? जी 7.80 रुपए का स्टॉप लॉस प्लेस करके होल्ड करना चाहिए, रिकवरी आता है तो 8.40 तक जा सकता है, 8.40 के ऊपर सस्टेन किया तो फर्दर अपसाइड आ सकता है। ओके तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आपके लिए वोडा आइडिया में आ रही है, लेवल्स का जरूर ध्यान में रखिए रूपक जी की, आपके लिए यही सजेशन है फॉर वोडाफोन आइडिया। लेवल्स आपको बता दें लगभग 8.40 रुपए का टारगेट और 7.8 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहने की आपके लिए सलाह। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस बाजार में किन स्टॉक्स पे आप रख सकते हैं स्ट्रैटेजी, इस पर भी करेंगे चर्चा, बने रही हमारे साथ। आइए जानते हैं इस वक्त बाजार में कौन से स्टॉक्स पर रखी जा सकती है नजर, कहाँ पर बनाए स्ट्रैटेजी। रूपक जी कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं आपको? जी एक और स्टॉक पसंद आ रहा है मुझे, वो है M&M। स्टॉक ने डेली चार्ट पे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस आ गया जो नीचे जा रहा था, और इम्पोर्टेंट जो मूविंग एवरेज होता है शॉर्ट टर्म के लिए 21 EMA, उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहे आज कॉन्फिडेंटली, इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहे पॉजिटिविटी, तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 31 तक जा सकते हैं, 31.50 तक जा सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 28.50 का। 28.50 का स्टॉप लॉस और टारगेट 31.50 आपने बताया M&M के लिए रूपक जी? जी हाँ 31.50। ऑलराइट तो ये रही M&M में खरीदारी की सलाह, 31.50 के टारगेट 28.50 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बना सकते हैं आप खरीदारी की स्ट्रेटजी। रूपक जी थैंक यू सो मच इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी बाजार पर तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए और स्ट्रेटजीज जरूर जानिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।